15 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर गोल्ड वर्सेस सत्यमेव जयते होने वाला है। जी हाँ, इस दिन अक्षय कुमार और जॉन के बीच जबरदस्त मुकाबला होने वाला है, लेकिन लगता है रिलीज से पहले ही अक्षय जॉन पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया, तो चलिए हम बताते हैं आपको। दरअसल अक्षय की गोल्ड को भारत में लगभग 3400 से 3500 स्क्रीन के बीच रिलीज किया जा रहा है। इसी के साथ गोल्ड को थिएटर में 65% ऑक्यूपेंसी मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ जॉन के सत्यमेव जयते को भारत में लगभग 2300 से 2400 स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। स्क्रीन के मामले में फिल्म को 35% शो ही मिलेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो अक्षय की गोल्ड ने जॉन के सत्यमेव जयते को रिलीज से पहले ही धूल चटा दी है। बता दें कि ट्रेड एक्सपर्ट का कहना है कि गोल्ड पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 20 से 22 करोड़ कमा सकती है। वहीं सत्यमेव जयते 8 से 10 करोड़ की कमाई करेगी। कहना गलत नहीं होगा कि गोल्ड बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग के मामले में भी सत्यमेव जयते पर भारी पड़ सकती है। बता दें कि गोल्ड को सेंसर बोर्ड ने यूएस सर्टिफिकेट के साथ पास किया है और सत्यमेव जयते को सेंसर बोर्ड ने 8 कट के साथ ए सर्टिफिकेट के साथ पास किया है। ऐसे में जॉन की फिल्म पर असर जरूर पड़ने वाला है। वेल, देखना तो अब ये दिलचस्प रहेगा कि बॉक्स ऑफिस पर अक्षय और जॉन में से किसकी होगी जीत। वैसे आप गोल्ड और सत्यमेव जयते में से किस फिल्म को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।